हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम देखेंगे स्पाइनल कोड की इंटरनल स्ट्रक्चर्स या फिर इंटरनल एनेटमी या फिर क्रॉस सेक्शन और ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कोड सो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सटर्नल एनेटमी या फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया था स्पाइनल कोड में इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पाइनल कोड सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो स्पाइनल कोड का अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले ग्रे मैटर या वाइट मैटर कैसे अरेंज होता है स्पाइनल कॉर्ड में सो so ब्रेन में हमें पता है कि ग्रे मैटर आउटसाइड या फिर पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है एंड वाइट मैटर इनसाइड प्रेजेंट होता है ब्रेन में लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में इससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है ये डायग्राम है एक क्रॉस सेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का सो so इस क्रॉस सेक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि ग्रे मैटर इनसाइड प्रेजेंट है एंड वाइट मैटर आउटसाइड या फिर पेरिफेरी पर प्रेजेंट है सो स्पाइनल कोड इज कम्पोज ऑफ एन इनर कोर ऑफ ग्रे मैटर सराउंडेड बाई एन आउटर कवरिंग ऑफ वाइट मैटर सो आउटर कवरिंग वाइट मैटर की है एंड इनर कोर ग्रे मैटर का है स्पाइनल कोड में सो ऑन क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शन में हमें क्या दिखता है अरेंजमेंट ऑफ ग्रे मैटर इन स्पाइनल कोड रिजेम्पल्स अ शेप ऑफ बटरफ्लाई सो so, ये जो ग्रे मैटर है प्रेजेंट इन साइड स्पाइनल कोड में इसकी जो शेप है वो एक बटरफ्लाई से रिजेंबल कर रही है सो so, या तो ये बटरफ्लाई जैसा लग रहा है या फिर जो अल्फाबेट एच होता है हमारा उसके जैसी इसकी शेप लग रही है नाउ ग्रे मैटर से आप क्या समझते हैं कि ये ग्रे मैटर क्यों दिख रहा है ग्रे कलर का क्योंकि इसमें नर्व सेल बॉडीज़ प्रेजेंट होती है सो so, जो हमारे न्यूरोन्स हैं उसकी क्या पार्ट है एक नर्व सेल बॉडी उसकी जो शॉर्टर ब्रांचेज होती हैं उनको डेंड्राइट्स कहते हैं एंड एक लॉन्ग ब्रांच होती है जिसको एक कहते हैं सो ग्रे मैटर किससे बना होता है स्पेशली नर्व सेल बॉडीज़ और डेंड्राइट से सो so, यहाँ पर बहुत सारी नर्व सेल्स बॉडीज़ प्रेजेंट हैं इसलिए इसको बोला गया है ग्रे मैटर नाउ जो ग्रे मैटर है स्पाइनल कोड का ये डिवाइडेड होता है हॉर्स और कॉलम्स में सो so, ये आप ग्रे मैटर में देख रहे हैं ये हॉन्स दिखाई दे रहे हैं ये लॉन्ग हॉन्स या फिर कॉलम्स सो इन हॉर्न्स या फिर कॉलम्स को क्या नाम दिए गए हैं सो so, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये है हमारा वेट आई टेक द कलर सो ये है हमारा पोस्टीरियर या फिर बैक सो दिस इज पोस्टीरियर इसको पोस्टीरियर पोर्शन भी कहते हैं डोर्सल पोर्शन भी कहते हैं या फिर दिस इज द बैक सिमिलरली अब इससे ऑपोजिट क्या होगा ये है हमारा फ्रंट पोर्शन सो दिस इज एंटीरियर एंटीरियर या फिर वेंट्रल और फ्रंट राइट right? सो so, जैसे हमारी बॉडी में बैक साइड प्रेजेंट होती है और एक फ्रंट साइड प्रेजेंट होती है इसी तरह से वर्टिब्रल कॉलन या फिर जो स्पाइनल कोड है वो भी इसी तरह से अरेंज है सो so, ये स्पाइनल कोड की बैक साइड है मीन्स uh, पोस्टीरियर या फिर डोर्सल साइड है और ये स्पाइनल कोड की एंटीरियर या फिर वेंट्रल साइड है सो फ्रंट साइड है सो so, uh, जो हॉन्स पोस्टीरियर साइड होंगे या फिर डोर्सल साइड होंगे उसको बोला है uh, डोर्सल होन या फिर पोस्टीरियर होन सो ये है डोर्सल होन सो वन एंड ये सेकेंड सो so, ये दोनों क्या है डोर्सल या फिर पोस्टीरियर होन नाउ टू लेटरल सो ये हैं हमारे लेटरल जो कि साइड्स में प्रेजेंट है दैट इज वन एंड सेकेंड सो टू लेटरल होन एंड टू ही एंटीरियर और वेंट्रल होन है सो so, ये फर्स्ट एंटीरियर या फिर वेंट्रल होन है एंड ये सेकेंड एंटीरियर या फिर वेंट्रल होन है सो so, हमारा जो ग्रे मैटर है वो होर्न्स और कॉलम्स में डिवाइडेड होता है टू पोस्टीरियर या फिर डोर्सल होन टू लेटरल होन एंड टू एंटीरियर और वेंट्रल होन नाउ एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ ग्रे मैटर देयर इज अ के कैनाल सो ये आप बिल्कुल एक्जैक्टली सेंटर में एक स्मॉल सा होल या फिर ओपनिंग देख रहे हैं सो इसको क्या बोला है सेंट्रल कैनाल अब इस सेंट्रल कैनाल में सी एस एफ फ्लो करता है सो इस सेंट्रल कैनाल में सी एस एफ फ्लो करता है सेरिब्रोस्पाइनल स्पाइनल फ्लूइड क्योंकि ये सेंट्रल कैनाल हमारे फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्टेड होती है सो सेंट्रल कैनाल क्या है एक्सटेंशन फ्रॉम द फोर्थ वेंट्रिकल सो हमें पता है कि वेंट्रिकल्स में सी एस एफ फ्लो करता है सो इसलिए फोर्थ वेंट्रिकल से सेंट्रल कैनाल डायरेक्टली कनेक्टेड है सो so, इसलिए इस सेंट्रल कैनाल में भी सी एस एफ फ्लो करता है नाउ पार्ट ऑफ ग्रे मैटर एंटीरियर टू द सेंट्रल सर्कस इज एंटीरियर ग्रे कमीशन सो ये आपको ऐसे समझ आएगा सो so, ये सेंट्रल कैनाल है सो सेंट्रल कैनाल का जो एंटीरियर एंटीरियर uh, पार्ट है इसके आगे वाला दिस वन सो ये एंटीरियर पोर्शन है सो so, ये क्या कहलाता है एंटीरियर ग्रे कमीशर सो कमीशर का क्या मतलब है कि ये दोनों साइड्स को कनेक्ट कर रहा है सो so, ये राइट right और लेफ्ट साइड को कनेक्ट कर रहा है इसलिए ये कमीशर है सो so, ये एंटीरियर ग्रे कमीशर है क्योंकि ये सेंट्रल कैनाल के एंटीरियर में है और सेंट्रल कैनाल्स के बैक में मींस पोस्टीरियर में सो so ये पोस्टीरियर साइड है सो so ये क्या है पोस्टीरियर ग्रे कमीशर

इज डिवाइडेड इन टू सो वाइट मैटर भी ग्रे मैटर की तरह ही थ्री कॉलम्स में डिवाइड है सो इन कॉलम्स को ट्रैक्स भी कहते हैं और फेनिकुलाई भी कहते हैं नाउ इनको ट्रैक्स इसलिए कहते हैं बिकॉज रीज ट्रैक्स आर फॉर्म बाय सेंसरी नर्व फाइबर्स एंड मोटर नर्व फाइबर्स सो हमें पता है कि जो ग्रे मैटर है वो सेल बॉडीज से बना होता है और वाइट मैटर किससे बना होता है एग्जोन्स या फिर नर्व फाइबर्स से So, ये वाइट मैटर एग्जोन से बना है जो कि माइलिनेटेड एक्जोन है इसलिए व्हाइट कलर की अपेयर होती है सो so, इस व्हाइट uh, मैटर भी ग्रे मैटर की तरह थ्री कॉलम्स और ट्रैक्स या फिर फेनिकुलाइ को बोलते हैं डिवाइडेड है सेम एंटीरियर लेटरल एंड पोस्टीरियर सो यहां पर आप देख रहे हैं सो so, ये वाइट मैटर का दिस इज पोस्टीरियर साइड सो पोस्टीरियर या फिर डोरसल साइड है सो so, इसलिए ये क्या है दिस पोर्शन इज पोस्टीरियर या फिर डोर्सल कॉलम सो ये क्या है लेटरल uh, साइड है ये वाली सो दिस इज लेटरल कॉलम नाउ ये क्या है एंटीरियर साइड है या फिर वेंट्रल साइड है सो so, इसको क्या कहते हैं सो so, इस uh, ये जो साइड्स हैं इसको क्या कहते हैं एंटीरियर या फिर वेंट्रल कॉलम्स राइट right? सो so, ये भी इसी तरह से टू टू प्रेजेंट्स होते हैं जैसे कि हमारे ग्रे मैटर में, में कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं सो so, Uh, ये मैंने बता दिया कि ये जो एग्जोन्स हैं ये ट्रैक्स बोलते हैं इनको क्योंकि uh, ये एग्जोन से बने हैं जो हमारे हैं उनके एग्जोन से बने हैं माइलिनेटेड एग्जोन से बने हैं नर्व फाइबर से बने हैं सो so, ये नर्व फाइबर्स टू टाइप्स के होते हैं जो वाइट मैटर में प्रेजेंट होते हैं एक होते हैं सेंसरी नर्व फाइबर्स और इनको कहते हैं असेंडिंग नर्व फाइबर्स क्योंकि सेंसरी नर्व फाइबर्स हमारे बॉडी से ब्रेन तक जाते हैं सो दीज ट्रैक्स आर फॉर्म बाय सेंसरी नर्व फाइबर्स असेंडिंग टू द ब्रेन सो ये हमारी बॉडी से ब्रेन तक जाते हैं इसलिए ये असेंडिंग फाइबर्स हैं सो so, ये ऊपर की तरफ ब्रेन तक जाते हैं बॉडी से देन एक और नर्व फाइबर्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं दीज आर मोटर नर्व फाइबर्स और इनको कहते हैं डिसेंडिंग डिसेंडिंग सो ये इसलिए क्योंकि ये ब्रेन से हमारे बॉडी तक जाते हैं सो so, सेंसेशन हमारे बॉडी से ब्रेन तक जाती है सो दीज आर सेंसरी नर्व फाइबर्स एंड मोटर हमारे जो ब्रेन से हमारे मसल्स तक जाती हैं सो दीज आर मोटर नर्व फाइबर्स सो इनसे वाइट मैटर बना हुआ है सो so सिमिलरली जैसे ग्रे मैटर में कमीशन प्रेजेंट है ऐसे ही वाइट मैटर में भी कमीशन प्रेजेंट है सो सेंट्रल सर्कस के जो एंटीरियर साइड कमीशन प्रेजेंट है दिस साइड में इसको कहते हैं एंटीरियर वाइट कमीशन एंड जो पोस्टीरियर साइड सेंट्रल सर्कस के पोस्टीरियर साइड ये कमीशन प्रेजेंट है दिस इज पोस्टीरियर वाइट कमीशन नेक्स्ट इज़ फिशर एंड सलकाय सो हमारा जो स्पाइनल कोड का क्रॉस सेक्शन है उसमें कुछ डीप लाइन्स या फिर फ्यूरोल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं फिशर और सलकाय सो एंटीरली सो ये एंटीरियर पार्ट है दैट इज़ वेंट्रल पार्ट है सो so यहाँ पर प्रेजेंट होता है एंटीरियर मीडियन फिशर सो ये एंटीरियर पार्ट है इसलिए एंटीरियर या फिर वेंट्रल मीडियन सल्कस यहाँ पर प्रेजेंट होता है सो ये ज़्यादा डीप होता है डीप फ्यूरो होता है और पोस्टीरियर सरफेस पे शेलो बहुत ज़्यादा डीप फ्यूरो नहीं होता पोस्टीरियर मीडियम सल्कस सो ये पोस्टीरियर साइड है सो यहाँ पर डोरसल या फिर पोस्टीरियर मीडियम सल्कस या फिर सेप्टम प्रेजेंट होता है सो एंटीरियर साइड एंटीरियर या फिर वेंट्रल मीडियम सल्कस पोस्टीरियर साइड पोस्टीरियर या फिर डोर्सल मीडियम सल्कस या फिर सेप्टम प्रेजेंट होता है एक और सल्कस प्रेजेंट होता है साइड्स में थोड़ा सा लेटरली डोर्सल सरफेस uh, के थोड़ा सा लेटरली प्रेजेंट है इसलिए इसको डोरसो लेटरल सल्कस कहते हैं नेक्स्ट है स्पाइनल नर्व्स सो इसमें जस्ट मैं आपको बताऊंगी कि स्पाइनल नर्व्स के कौन से पार्ट कैसे ये डिवाइड होती है इसकी रूट्स क्या हैं जो कि हमारे स्पाइनल कोड में देन मिलती हैं सो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कोड आर अटैच 31 वन पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हमें पता है कि 31 वन सेगमेंट्स है स्पाइनल कोड के एंड हर सेगमेंट में से एक पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलती है सो so, जैसे कि ये एक स्पाइनल का सेगमेंट है सो so इसमें से पेयर में सो so ये फर्स्ट है सो so ये Uh, ये क्या है वन एंड ये अनदर वन नर्व है सो so, ये नर्व्स क्या है पेयर में प्रेजेंट है सो so, पेयर में ये सेगमेंट से निकलती हैं सो थर्टी वन सेगमेंट्स है तो थर्टी वन पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलती हैं सो ईच कनेक्ट टू द स्पाइनल कोड बाय टू रूट्स डोर्सल एंड वेंट्रल अब ये जो स्पाइनल नर्व है सो so, ये है हमारी स्पाइनल नर्व सो ये स्पाइनल नर्व स्पाइनल कोड के सेगमेंट में से मिलने से पहले ये टू में डिवाइड हो जाती है टू रूट्स में तो so, ये टू रूट्स कौन सी है एक तो ये वाली रूट एंड एक ये वाली रूट सो जो डोरसल साइड मीन्स पोस्टीरियर साइड जो रूट प्रेजेंट है उसको कहते हैं डोरसल रूट एंड जो वेंट्रल साइड या फिर एंटीरियर साइड प्रेजेंट है उसको कहते हैं वेंट्रल रूट सो ये डोरसल और वेंट्रल रूट देन मर्ज होकर क्या बनाती है स्पाइनल नर्व नाउ वेंट्रल रूट्स क्या है मोटर है वाइल डोरसल रूट आर सेंसरी सो वेंट्रल रूट क्या है मोटर है मोटर है इट मीन्स ये क्या है डिसेंडिंग है सो so डिसेंडिंग है तो ये इस साइड जाएंगी क्योंकि ये हमारे ब्रेन तक जाएंगी बॉडी पार्ट से सो so जो डोरसल uh, रूट है वो क्या है सेंसरी है सो डोरसल रूट क्या है सेंसरी है सो so ये सेंसरी है इसलिए ये हमारे बॉडी पार्ट्स तक जाएंगी ब्रेन से हमारे सॉरी ब्रेन इधर साइड जाएंगे ब्रेन से हमारे बॉडी तक सो वेंट्रल रूट किससे बनी है मोटर नर्व uh, से बनी है जबकि जो डोर्सल रूट है वो सेंसरी नर्व से बनी है देन द टू रूट्स ज्वाइन टू फॉर्म स्पाइनल नर्व प्रायर टू एक्स एग्जिटिंग द वर्टिब्रल कॉलम अब ये दो रूट्स जो कि डोर्सल और वेंट्रल है मर्ज होकर क्या बना देती है स्पाइनल नो स्पाइनल नर्व और ये स्पाइनल नर्व uh, ये कब मर्ज होती हैं वर्टिब्रल कॉलम से पहले सो वर्टिब्रल कॉलम से निकलने से पहले सो हमारी स्पाइनल नर्व इंटरवर्टिब्रल फोरामैन से निकलती है और इंटरवर्टिब्रल फोरामैन जो कि वर्टिब्रल कॉलम में ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है उससे निकलने से पहले ही ये दोनों जो रूट्स हैं इमर्ज होकर स्पाइनल नर्व बना देती हैं नाव ये आप बल्जिंग पोर्शन यहाँ पर देख रहे हैं सो so, ये डोर्सल रूट में बल्जिंग पोर्शन है इसको कहते हैं डोर्सल रूट गेंग्लियोन ये इसको डोर्सल रूट गेंग्लियन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो नर्व सेल बॉडीज़ हैं उसका क्लस्टर प्रेजेंट प्रेस्ट होता है सो so, बहुत सारी नर्व सेल्स बॉडीज से यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं इसलिए ये गैंगलियन बनाती हैं नाउ ब्लड सप्लाई टू स्पाइनल कोड सो ब्लड सप्लाई कैसे होती है स्पाइनल कोड को सो ब्लड सप्लाई जो मेन आर्टरीज हैं वो हैं वर्टिब्रल आर्टरीज जो कि स्पाइनल कोड को ब्लड सप्लाई करती हैं वर्टिब्रल आर्टरी देन फर्दर डिवाइड हो जाती हैं जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पाइनल कोड को डिवाइड करती हैं सो so, ये है वन एंटीरियर स्पाइनल आर्ट्री सो so, ये एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एंटीरियर और लेटरल जो पोर्शन है स्पाइनल कोड का उसको सप्लाई करती है देन टू पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी ये पोस्टीरियर पोर्शन स्पाइनल आर्टरी को जो पोस्टीरियर पोर्शन है स्पाइनल कोड का उसको सप्लाई करती है देन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरी ये जो होल लेंथ है स्पाइनल कोड की उसको सप्लाई करती है एंटीरियर वैसोकोरोना ये हमारी जो मैनजेज़ है स्पाइनल कोड की उसको ब्लड सप्लाई करती है So, if you understood this video, please like, subscribe, and share my channel. Also, do support women empowerment. Thank you for watching.